बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 तक सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का सॉल्व होगा। तो बहुत आसान से सवाल है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल व्हिच एंगुलर पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली। इसमें लिखा है बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि बेटा आपके पास क्या है, उसके जो पॉइंट्स है वो आपके पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है, एल, एम और एन। तो सबसे पहले बेटा आपके पास एक सवाल होगा कि ये हमारे पास इन सेंटर पॉइंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने क्या करा, आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या किया, एक ट्राइंगल सिंपल सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रफली हम लोग ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें जस्ट सवाल में दिखाना होता है। तो मैंने ये ट्राइंगल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब क्या करूँगा बेटा, इसकी जो वर्टिसिस की वैल्यू वो लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। एल की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, 2.8, जबकि बेटा मेरे पास एम की वैल्यू क्या है, 8.2, जबकि बेटा मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 9.9। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, अब आपने एक चीज़ फाइंड आउट करना होगा, एंगल बाइसेक्टर। बेटा एंगल बाइसेक्टर कैसे मालूम करते हैं, इस तरह से एंगल बनाते हैं। ठीक है, आपके कंपास की मदद से, तो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। और बेटा इस एंगल को जब हम हाफ से डिवाइड करते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, इस एंगल को हाफ से इस तरीके से डिवाइड करते हैं एंड देन फिर इसको भी इसी तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। आपको फिगर ऐसी बनानी होगी, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंगल को क्या कर रहे हैं, दो हिस्से में डिवाइड करके एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये वाली जो पॉइंट होगी ना, ये वाली पॉइंट, ये हमारे पास होता है इन सेंटर। ठीक है, कौन सा होता है, इन सेंटर। तो इसको जो हम करते हैं, डोनेट किससे करते हैं, इसको हम लोग डोनेट करते हैं बेटा आई बराबर होता है किसके, एक्स कॉमा वाई। तो हमें एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब साथ साथ याद रखना बेटा, एम से एन तक का डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ए कह रहा हूँ स्मॉल। ठीक है, एन से एम तक का डिस्टेंस मेरे पास ए हो जाएगा। उसी तरह से बेटा एम एन हो गया, फिर एल एन हो गया, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, फिर एम से लेकर के एल तक का डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ मैं, बी कह देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कह देता हूँ, सी कह देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो ए बी सी को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एडिशन ही करना है। ठीक है, अब याद रखना है इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जब भी इन सेंटर की वैल्यू निकालो तो उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है बेटा, आई एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होता है हमारे पास, वो बराबर होता है बेटा मेरे पास ए एक्स वन प्लस फिर उसके बाद बी एक्स टू प्लस सी एक्स टू। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, और फिर इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, उसी तरीके से ए एक्स वन, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू, और फिर प्लस का निशान लगेगा इसमें। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, बी वाई थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो उसको लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हम इसको एज अ रफी कर लेता हूँ, क्योंकि जस्ट मुझे फार्मूला आपको बताना था कि इसका फार्मूला होता क्या है। और चाहो तो बेटा इसको आप सी बोल दो, ठीक है, और इसको बी बोल दो, वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, मेरे पास ये बी है और ये मेरे पास क्या बेटा, सी है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन लिखोगे, तो मैं पेन ले लेता हूँ अपना, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा, जो सवाल लिखा हुआ होता है उसको आप एज अ इंग्लिश के वर्डिंग में बोलते हो। ठीक है, तो लिखोगे एल एम एन, तो यहाँ पे लिखता हूँ एल की वैल्यू क्या बेटा, 2.8, फिर इसके बाद एम की वैल्यू क्या है बेटा, 8.2, एन हमारे पास एन की वैल्यू क्या है बेटा, 9.9। ठीक है, ये तमाम क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है, तमाम चीज़ें क्या है बेटा, वर्टिसेस हैं ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तमाम ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और हमें निकालना क्या है बेटा, एन आई एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या है बेटा, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है। हाँ ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एन आई एक्स कॉमा वाई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश में अगर वर्डिंग लिख लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्राइंगल रिस्पेक्ट
एक्टिवली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक बात याद रखना, क्योंकि फार्मूला मेरे पास होता है बेटा ए एक्स वन, मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू तो मिल जाएगी, वाई वन वाई टू वाई थ्री की तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन बेटा मुझे ए बी सी की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। कैसे, मुझे मालूम है बेटा ये पहली वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स वन होगी, दूसरी वैल्यू x2 और तीसरी वैल्यू क्या होगी x3। उसी तरह से बेटा ये y1 हो जाएगा, ये y2 और y3। कैसे लिखूंगा देखना, x1 की वैल्यू क्या 2 है, पहली वैल्यू x1 की, फिर इस वाले में पहली वैल्यू बेटा वो क्या होगी x2 की होगी, ठीक है 8, और फिर तीसरी वैल्यू क्या होगी 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 9। उसी तरह से बेटा y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू मेरे पास दूसरी वैल्यू मतलब 8, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा दोबारा 9 आ जाएगा, देखो 289, तो 289, और उसी तरह से बेटा 829, तो 829, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सही लिख दिया। अभी हमें बेटा ए बी और सी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा ए देखो कहाँ है, एम एन के बीच में है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एम एन का डिस्टेंस फार्मूला निकाल लूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे ज़रा अपना कैमरा को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। तो मैं आखिर बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, मतलब कि मैं एम एन का क्या निकाल लूं, डिस्टेंस निकाल लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा किसका, ए का आ जाएगा, क्योंकि एम एन किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैंने ए लिखा और एम एन का डिस्टेंस लिखा, तो बेटा मेरे पास क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब चलो आ जाओ, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इस तरीके से आपने जस्ट इसी तरह से लिखना होगा, यहाँ पर इम्प्लाइज डॉट का निशान डालना मत भूलना। एक्स टू की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स टू की वैल्यू मेरे पास, मैं एम और एन की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो एम और एन ये है, ठीक है। तो बेटा इसमें मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, ये एक्स टू होगा और ये वाई टू होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को कंसीडर किया है, अभी तीनों को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो बेटा ये एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, ये एक्स टू और वाई टू होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक्स टू लिखा हुआ है ना, तो एक्स टू की वैल्यू क्या है 9, तो क्या लिखूंगा 9 माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वन की वैल्यू 8 है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा बेटा, प्लस का निशान डालूंगा, वाई टू की वैल्यू, तो वाई टू की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 9 है, तो क्या लिखूंगा 9 माइनस, और बेटा वाई वन की वैल्यू क्या है 2, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। मैंने ए वैसे ही लिखा, इस वाई टर्म को सेम वैसे लिखा, 9 में से 1 8 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, अगर 9 में से मैं 2 को निकालूंगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, और 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें लाइक ए इसको और सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ ए लिखता हूँ, और यहाँ क्या लिखता हूँ बेटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 50 अंडर रूट। बेटा अंडर रूट 50 की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर डाउनलोड किया हुआ है, इसमें ही निकाल देता हूँ मैं और देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। लाइक इस तरीके से मैं पीछे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट लगा दिया और 50 लिख दिया, ठीक है। तो रूट 50 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, रूट 50 की वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो अगर 2 को 25 से इस तरह से कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना सिखा देता हूँ मैं किस तरह से निकाला जाता है रूट की वैल्यू। तो बेटा अगर मैं 225 से कितना होता है बेटा, 50 होता है ना, फिर क्या होगा बेटा, 5 ones are 25 और 5 ones are 5, देखो 2 25 are 50, 5 5 are 25, 5 ones are 5, बेटा इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ए फिफ्टी को लिख सकता हूँ कि 5 मैंने बाहर लिख दिया और अंदर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 under root 2, मतलब जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर लिख देते हो और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिखते हो, यानी रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब बेटा क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बेटा बी किसके बराबर है, मैंने बताया ना बी मैंने इसको ले लिया था, तो एल और एन के बराबर है क्या बी, तो क्या लिखूंगा, एल एन का क्या ले लेता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला ले लेता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा, मेरे पास होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब बेटा मेरे पास क्या है, एल और एन है, ठीक है, एल और एन, ठीक है,
यहाँ पे एल एन है ना, तो इन दोनों को लिखूंगा एल और एन, ठीक है। तो एल एन के लिए मेरे पास बेटा एक्स वन की वैल्यू ये होगी, वाई वन की वैल्यू ये होगी, और जबकि मेरे पास एन की वैल्यू ये होगी एक्स टू और वाई टू, क्योंकि एन है और एक्स है, ठीक है। तो एल एन मतलब इन दोनों वैल्यू को देखूंगा ना, एल और एन को, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो चलो आज यही वैल्यू मैं ऊपर से देख कर लिखते जाऊँगा, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिख दिया है यहाँ पे, तो मेरे पास बी हो जाएगा बेटा। और यहीं पर एल एन लिखूंगा मैं, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, रूट लगाऊंगा। एक्स टू की वैल्यू मेरे पास नाइन है माइनस एक्स वन की वैल्यू बेटा मेरे पास टू है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर लग जाएगा बेटा, वाई टू की वैल्यू मेरे पास बेटा नाइन है माइनस, और मेरे पास वाई वन की वैल्यू बेटा एट है, तो मैंने एट का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नाइन में से टू जाएगा तो मेरे पास बचेगा लाइक नाइन में से टू जाएगा भाई, मेरे पास सेवन बच जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या बचेगा, सेवन के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और नाइन में से एट चले जाएगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा बेटा, वन बच जाएगा, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू आ रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ज़रा देख के बताओ, सेवन सेवन सा 49 प्लस वन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 किसके बराबर होता है, 50 बराबर होता है 5√2, ठीक है। तो मेरे पास बी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, फाइंड आउट हो गई। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया बेटा, मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया, बी की निकाल लिया, अब क्या निकालना होगा बेटा, सी की। तो सी कितना है बेटा, एम और एल है, तो एम और एल, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, एल एम ले लो, ठीक है। तो एल एम एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा इस दफ़ा, और बेटा एक्स टू और वाई टू ये हो जाएगा, ठीक है। मैं एल और एम को निकालूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो सेम वही काम करेंगे जो अभी हमने करा था। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बेटा, एल और एम जो है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, सी के बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे क्या होता है बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ सवाल में, एक्स टू की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स टू की वैल्यू एट है माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, टू है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। फिर वाई टू की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास टू है, ठीक है, और माइनस वाई वन की वैल्यू मेरे पास एट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एल एम था, तो मैंने क्या लिख दिया, एल एम की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एट में से टू जाएगा, अगर मैं एट में से टू हटा दूंगा तो मेरे पास सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का निशान, आठ में से दो जाएगा बेटा, अगर मैं आठ में से दो निकाल दूंगा तो भी मेरे पास क्या होगा, माइनस का सिक्स होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या फाइनल आउट होकर आ रही है, सिक्स सिक्स का कितना हो जाएगा, 36 प्लस 66 36, ठीक है। दोनों मेरे पास 36 हो गया, इसको प्लस करके देख लो, 36 किसके बराबर होते हैं, 36 और 36, 6 6 12, एक यहाँ आ गया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 7, तो मतलब 72। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सी की, सी की वैल्यू आ रही है मेरे पास 72 रूट के अंदर। अब रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अभी मैंने सिखाया था तुम लोगों को, सब कुछ करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई गलती ना दिखे, ठीक है। 72 हो गया ना, 2 की टेबल से पढ़ो, 2 3 6, एक यहाँ चलेगा, 2 6 12, ठीक है, 2 3 2 1 2 2 1 2, एक यहाँ चले गया, 2 8 16, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 2 9 18, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो बेटा पेयर इसका बन रहा है एक, और इसका पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या कर दोगे बेटा, अंदर ही रखोगे रूट के। तो 2 का पेयर बना तो एक दफ़ा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर बना तो एक दफ़ा लिख दिया, और रूट लगा दिया बेटा इसके अंदर 2 के, 2 3 का कितना होता है 6, तो 6√2। तो मेरे पास बेटा ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई, और बेटा मेरे पास सी की वैल्यू भी क्या हो गया बेटा, फाइंड आउट होकर के आ गया। देखो सारी वैल्यू हमने क्या कर दिया, फ़ौरन से निकाल दिया, ए की वैल्यू मेरे पास ये थी, ठीक है, और बी की वैल्यू मेरे पास बेटा ये थी, ठीक है। बी और ए की तो वैल्यू एक ही है, सेम है, बस उसकी वैल्यू। अब देखो मुझे सब पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी बेटा, 5√2, बी की वैल्यू भी बेटा 5√2, और सी की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास, अभी आया है मेरे पास 6√2, तो क्या लिख दूंगा, 6√2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दी। अब बेटा फार्मूला मेरे पास क्या है, ये वाला, तो फार्मूला मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें छोटा सा लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपने बड़ा सही से लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास जगह मौजूद है, ठीक है। तो बेटा हम आई निकालने जा रहे हैं इन सेंटर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, सबकी वैल्यूज हमें मालूम है, एक एक करके मैं यहाँ से देखते हुए वैल्यू क्या करूँगा, लिखते जाऊँगा। ठीक है, सारी वैल्यूज है ना, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है, लिख रहा है, तो मैं सारी वैल्यूज को क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करते जाऊँगा। ठीक है, तो ये एक्स कॉमा वाई वैसे ही रह गया, ए की जगह बेटा पुट करूँगा 5√2, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा एक्स वन, और एक्स वन मेरे पास किसके बराबर है, 2 के। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं बी की वैल्यू लिखूंगा फिर से 5√2, जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा एक्स टू से, तो एक्स टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, अब मैं लिखूंगा प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी आया है 6√2, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, एक्स थ्री से, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या करूँगा बेटा, कॉमा डाल दूंगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ठीक है, ये मैंने लिख के दिखा दिया। अब यहाँ पे भी मुझे बाकी टर्म लिखना पड़ेगा ए, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5√2, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वाई वन से, तो वाई वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8, फिर प्लस का निशान, फिर इसका 5√2, क्यों, क्योंकि मेरे पास बेटा बी की वैल्यू यही है, और वाई टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा आखिरी वैल्यू यहाँ पर लिखना है सी, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6√2, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, वाई 3 से, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 9, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन खैर इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं, x कॉमा वाई मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 5 से कितना होता है, 10√2 हो जाएगा, प्लस 8 5 से मेरे पास कितना होता है बेटा, 5 8 से 40, तो क्या आ जाएगा, 40√2। उसी तरह से बेटा फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 9 से 54। ठीक है, 6 9 से कितना होता है मेरे पास, 54, तो क्या लिख दूंगा, 54 और √2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, नीचे आ जाएगा 5 + 5 10, और 10 + 6 कितना होता है बेटा, 16, तो 16√2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। उसी तरह से बेटा 8 5 से कितना होता है, 40√2 कॉमा 2 5 से कितना होता है बेटा, 10√2 कॉमा, और बेटा 6 9 से कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, और नीचे भी सेम वही काम करूँगा बेटा, क्या आ जाएगा, 16√2, तो क्या लिख दूंगा, 16√2। ठीक है, तो यही वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें बस जस्ट प्लस करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा, मतलब ये सब में √2 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली आगे इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब 10 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 40 के साथ। ठीक है, और 40 प्लस हो जाएगा बेटा 54 के साथ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x कॉमा वाई की 104/16√2। ठीक है, ये लिख के दिखा दिया मैंने, कॉमा बेटा यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 + 10 + 54, तो मेरे पास 104√2 लिखना मत भूलना, √2 / क्या आ जाएगा बेटा, 16√2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब अगर मैं 106 को क्या कर, 104 को क्या कर लूँ बेटा, डिवाइड कर लूँ। ठीक है, 104 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 के साथ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो किसी टेबल के साथ इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेटा ये किस तरह से कैंसिल आउट होगा, मैं पेंसिल से कैंसिल आउट करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, 2 9 लाइक इस तरीके से, 2 की टेबल 2 8 16 होता है ना, 2 8 क्या हो जाएगा मेरे पास, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 2 5 10, ठीक है, और 2 2 4, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, फिर 2 4 8, 2 1 2 2 4, और यहाँ 2 6 12, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 13/2 आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें भी यही हो जाएगा, 13/2, और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, तो 13/2। अगर बेटा मैं 13/2 को भी डिवाइड करता हूँ एक दूसरे से, तो मेरे पास 6.5 ही आता है, बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये बता दें ये कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, तो मैंने आपको कैंसिल आउट करके भी दिखा दिया, 13/2 13/2 इसकी क्या होगी बेटा, फाइनल वैल्यू आ गई, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 13/2 है, जबकि वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 13/2 है। तो ये दोनों मेरा क्या है बेटा, आंसर है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। इसका जो पार्ट 2 है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो पार्ट 2 में भी बेटा आपने यही करना होगा, तो आपने पास पी
PQR की वैल्यू है, तो PQR की वैल्यू को उसको पुट करोगे और इस तरह से क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लोगे। तो चलो आ जाओ अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखो भाई, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइडेड पी एंड क्यू। ठीक है, तो सवाल में आई थिंक तो यही लिखा हुआ है, इन विच ए एंड बी डिवाइडेड। ठीक है, ए एंड बी है, इन विच ए एंड बी डिवाइड कर क्या कर रहा है बेटा, पी क्यू कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा इसमें बात किया जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू जो कि कट कर रहा है किसमें, एक्स और वाई एक्सिस में, किसके साथ, ए एंड बी के साथ। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल है कि मेरे पास एक इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है, और जो कि आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस मेरे पास ये वाली टर्म होती है, वाई एक्सिस ये वाली टर्म होती है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बी और सिक्स क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ से ये कट होके निकल रही है इसकी वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ, मतलब वाई एक्सिस से यहाँ पे कट हो रहा है और एक्स एक्सिस से यहाँ पे कट हो रहा है। जो मेरे पास ये वाले पॉइंट है वो क्या है बेटा, पी माइनस 8, 10। उसी तरह से क्यू की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है मेरे पास, 6, -4। ठीक है, साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है जहाँ से कट हो रहा है वो मेरा पॉइंट बेटा ए है और जो दूसरा पॉइंट वो क्या है मेरे पास, बी है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, और कहा जा रहा है आपको मालूम है ना, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस पर कट करेगी तो मेरे बेटा एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास एक्स एक्सिस पर लाई करेगी तो मेरे पास वाई क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स कॉमा जीरो, तो ये मेरे पास एक कंडीशन होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ठीक है, कि जब भी ए पर वाई एक्सिस पर करेगी तो जीरो मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस जीरो होगा, और जबकि वाई एक्सिस जब मेरे पास एक्स एक्सिस पर करेगी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है ना उसका आपने वो मालूम करना है, पी क्यू करना है। मतलब ये पी क्यू किससे कट हो रहा है बेटा, ए बी से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, आपने क्या लिखना होगा, रेशियो वाला ही फार्मूला लगेगा इसके अंदर। सॉल्यूशन लिखेंगे द लाइन सेगमेंट, क्या लिखोगे, द लाइन सेगमेंट, आपने रेशियो की वैल्यू निकालना है, मतलब एम एन की वैल्यू, सेगमेंट ज्वाइनिंग, जैसे सवाल में लिखा हुआ होता है ना वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग पी की वैल्यू क्या है, -8, 10 एंड बेटा क्यू जो है वो क्या है बेटा, 6, -4 इज कट बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई से क्या हो रहा है बेटा, एक कट हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट हो रहा है एट पॉइंट। हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा, ए एंड बी, तो लिखूंगा एक्स एंड वाई एट पॉइंट ए, और ए की वैल्यू क्या है बेटा, 0, y एंड बी, और बी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, x, 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो चीज़ लिखते हो ना वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखकर बता देते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें मालूम है, एज़ वी नो डैट, हमें मालूम है कि हमने क्या करना होगा बेटा इसमें, एज़ वी नो डैट कि हम लोग इसमें रेशियो फार्मूला लगाएंगे। तो रेशियो फार्मूला मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, रेशियो फार्मूला मेरे पास बराबर होता है एक्स और वाई के। तो क्या लिखूँगा मैं बेटा, एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई लिखा, और किसके बराबर होता है बेटा ये रेशियो फार्मूला मेरे पास होता है कि आपने कोई सा लगा सकते हो, इंटरनल भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन, उसी तरह कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, एम वाई वन प्लस एन y2। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, m प्लस एन। बेटा y2 पहले लिख देना, क्योंकि क्या होता है इसको उसी तरह से लिखते हैं ना, y2 पहले और y1 बाद में। तो मैंने रेशियो का क्या कर दिया बेटा, फार्मूला लगा दिया है कि x कॉमा वाई बराबर होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और फिर एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है m प्लस एन और m प्लस एन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू दिस निकालूंगा a, मतलब 0, y। तो बेटा x की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो 0 लिख दूंगा। ठीक है, y की जगह मैं y ही लिखूंगा।
एम की जगह बेटा मैं एम ही लिखूंगा। बेटा एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू क्या होगी बेटा, मेरे पास ये वाली होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 8 है, और वाई वन की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, जबकि बेटा एक्स टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, दूसरी वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है, और जबकि वाई टू की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, माइनस का 4 है। तो क्या लिख दिया, माइनस का 4 लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने m लिखा, x2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 लिख देता हूँ, प्लस n की जगह n ही रहेगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y1 की जगह मेरे पास आ जाएगा, सॉरी x1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 8, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 8 लिख दूंगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, एम प्लस एन, तो एम प्लस एन तो मेरे पास वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करूंगा बेटा, कॉमा लगाऊंगा, एम की वैल्यू क्या है, एम ही है, वाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दूंगा, प्लस का निशान, एन की जगह एन लिखाएगा, वाई वन की वैल्यू क्या है बेटा, 10, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एम प्लस एन, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6m हो जाएगा, और माइनस का 8n हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस एन। उसी तरह से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4m हो जाएगा, प्लस का 10n हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस एन, ठीक है, और यहाँ पे 0, y वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा इसको क्या कर लेते हैं, अब इसको हम लोग एज अ सपोज कर लेते हैं कि 0 बराबर इसके और y बराबर इसके, मुझे क्योंकि m n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा करके इधर 0 को इससे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 0 को जो है कंसीडर कर लूँगा इसके साथ, इक्वेटिंग कर लूँगा, ठीक है। तो इक्वेटिंग आपको पता ही है, इक्वेटिंग रूल, मेरे पास क्या होता है, 0 बराबर हो जाएगा किसके, 6m माइनस 8n और अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। बेटा इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, तो मेरे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6m माइनस का क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो बराबर हो जाएगा इसके 6m माइनस का 8n, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं बेटा, ये प्लस का 6m है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिख देता हूँ, 6m माइनस का इक्वल टू माइनस का 8n, ठीक है। अब क्या करता हूँ बेटा, n को इधर ले जाता हूँ और 6 को उधर ले जाता हूँ, तो m अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस का 6 उधर ले गया, तो माइनस का 8 और माइनस का 6, ठीक है, इसको उठा के नीचे ले गया, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, 2 3 2 4 8 2 3 6, तो मेरे पास जो बेटा जो पहली वैल्यू m n की क्या आई है बेटा, 4/3, मतलब m रेशो n की वैल्यू क्या है बेटा, 4:3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एक पार्ट का सलूशन हो जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट का सलूशन, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि b की वैल्यू क्या है, x, 0, तो सेम वही कर लेते हैं काम, वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास x, y बराबर होता है बेटा किसके, mx2, ठीक है, फिर इसके प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, उसी तरह से कॉमा, फिर लिखूंगा my2 प्लस ny1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस n, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस दफ़ा क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x वैसे लिखाएगा, ठीक है, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा, m वैसे लिखूंगा, x2 की वैल्यू मुझे मालूम है, यहाँ से भी देख सकते हो, माइनस का क्या है, 8 है, तो माइनस का 8 लिख दूंगा, प्लस फिर मैं n लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं बेटा, n लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, x2 की वैल्यू 60, x2 की वैल्यू क्या थी बेटा, 60, पॉजिटिव का 6, ठीक है, जबकि बेटा n, x1 की वैल्यू क्या, माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 यहाँ आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस n, कॉमन का निशान, m वैसे लिखाएगा, y2 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 4 है, प्लस n, y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, m प्लस n, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, इक्वेटिंग करना होगा, तो उसको करने से पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कि ये 6m हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8n, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस n, कॉमा माइनस का 4m, प्लस का 10n, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस n, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब बेटा x को तो इससे इक्वेटिंग नहीं कर सकता, लेकिन इसको इससे कर सकता हूँ, तो बेटा 0 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 4m
प्लस टेन का एन और नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम प्लस एन। देखो कितने आसान तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही रह जाएगा, तो माइनस का फोर एम प्लस टेन का क्या हो जाएगा एन। माइनस का फोर एम को क्या करोगे बेटा लाई के उधर ले जाओगे तो प्लस का फोर एम हो जाएगा, तो प्लस का फोर एम ठीक है और इक्वल टू टेन एन। बेटा फोर को नीचे जाएगा एन को यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा एम अपॉन एन और टेन अपॉन फोर, तो फोर टू टू ज़ा फोर टू फाइव ज़ा टेन। तो बेटा मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि एम रेशो एन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा फाइव अपॉन टू, मतलब एम रेशो एन इज इक्वल टू फाइव रेशो टू। तो ये भी हमने क्या कर दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है मैं आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है आप आराम से सुकून से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस तरीके से, और ये वाला ये भी हो गया ठीक है। तो चलें आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच एंगुलर पॉइंट आर। हमें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बनाना है, तो आपने याद रखना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा बेटा ट्रायंगल बनाऊँगा, ठीक है याद रखना इसको, कन्फ्यूज मत हो जाना कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन सेंटर पे क्या होता है बेटा एंगल बाइसेक्टर होता था, लेकिन सेंट्रॉइड में क्या होता है बेटा एंगल को आपने ट्रायंगल को क्या करना होता है बेटा हाफ करना होता है हर जगह से, ठीक है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ना यूं करके इस तरीके से करना होता है। फिर जो इसके बीच की जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होती है ना वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास सेंट्रॉइड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे जिसको हमने निकालना होगा, ठीक है एक्स कॉमा वाई बोल देता हूँ, ठीक है इसको। जबकि बेटा मेरे पास ए वर्टिसेस की वैल्यू क्या है 1.3, जबकि बेटा बी वर्टिसेस की वैल्यू क्या है बेटा 2.7, जबकि सी की वैल्यू क्या है बेटा 5.6। तो इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ओ बराबर है एक्स कॉमा वाई के, ठीक है ये मेरे पास सेंट्रॉइड है। तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में क्या करते हैं जो लिखा हुआ होता है उसको लिख देते हैं। तो लिखोगे ए 1.3 फिर कॉमा बी की वैल्यू बेटा 2.7 एंड सी की वैल्यू क्या है बेटा 5.6 आर डी वर्टिसेस, ये क्या है मेरे पास वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है हमारे पास क्या है वर्टिसेस है किसका ट्रायंगल के एंड ओ एक्स कॉमा वाई इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल होगा जो मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा होता है, आपने क्या करना है बेटा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। पहली वैल्यू क्या है बेटा 1 x1 और दूसरी वैल्यू x2 मतलब 3, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 फिर उसके बाद क्या है 7, उसी तरीके से बेटा ये क्या है 5 और ये क्या है 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके आपको दिखा दिया। अब फार्मूला होता है मेरे पास सेंट्रॉइड का, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, ओ एक्स कॉमा वाई निकालना है मुझे, तो ये कैसे निकलेगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 फिर कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है कितना आसान सा फार्मूला है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा सबकी वैल्यू लिख देंगे, x1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस x2 की वैल्यू 2 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से। कॉमा y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस 7 प्लस 6 और ये डिवाइड किससे होगा बेटा 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब इन तीनों का मैं प्लस कर दूंगा, ये 1 + 2 5 होता है और तो 5 + 3 किसके बराबर होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा 8/3 कॉमा और अगर मैं इसको करूँगा बेटा 3 को प्लस करूँगा 7 से और 7 को प्लस करूँगा 6 से तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16, तो 16/ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कहीं का 3 हो देख लो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 होता है 3 6 18 हो जाता है लेकिन मेरे पास 16 नहीं आता, ठीक है। तो मेरे पास ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बेटा ये हो जाएगी जिसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आप इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जो कि मेरे पास ये है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ट्राइंगल आपने वैसे ही ड्रॉ करनी होगी जैसे मैंने आपको बताया था अभी।
हर ट्राइंगल को ड्रॉ करके ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके पेपर में नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको काट दिया जाएगा उस सवाल को, क्योंकि आपने मेंशन ही नहीं किया होगा ट्राइंगल कौन सा है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना देना, रफली बना देना, लेकिन ट्राइंगल बनाना लाजमी है, ठीक है। तो ये ना बना दिया मेरे पास, यहाँ पे बेटा पी की वैल्यू जो है वो क्या है, -2.5, जबकि पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, -7.11, जबकि बेटा आर की वैल्यू क्या है, -8.-4, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ओ एक्स कॉमा वाई का, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में वही वर्डिंग लिखनी है जो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे कि मेरे पास पी की वैल्यू -2.5, फिर कॉमा, फिर क्यू लिखोगे बेटा -7.1, एन आर की वैल्यू क्या है बेटा -8.-4, आर डी वर्टिसेस क्या है बेटा, ये तमाम चीज़ें मेरे पास वर्टिसेस है किसका, ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का ये वर्टिसेस है। एंड मेरे पास बेटा ओ एक्स कॉमा वाई इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने ये इंग्लिश में वर्डिंग लिख दिया आपके सामने, फार्मूला आपको पता है क्या लिखते हैं बेटा, ओ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बेटा इसको आपने वैल्यू पुट करना और आंसर लेकर के आके मुझे कमेंट में बताना है एज अ होमवर्क के तौर पे कि आपने सॉल्व किया कि इसे नहीं किया, ठीक है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपको मेरी वैल्यू समझ में आ रही हो तो उसको कर लेना, और अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह याद नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि आप पढ़ने से पहले कोशिश किया करो कि रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ लिया करो, ताकि क्या हो जाए कि आपने शुरुआती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करने के बाद आपने क्या पढ़ा, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो क्या होगा, पहले ही आप दुआ कर लोगे और अपने आप को क्या कहोगे कि पहले ही अल्लाह से दुआ मांग के कह दोगे कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में इजाफा, सॉरी मेरे इल्म में इजाफा कर दें, तो उससे क्या होगा आपको हर चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया करो। चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, इसमें क्या लिखा है बेटा, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरीके की मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि बेटा पास हो रहा है मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास क्या है, ए बोल देता हूँ, इसको सपोज कर लेता हूँ कि 7.9, जबकि बी की वैल्यू क्या है बेटा -1.1, ठीक है। जबकि क्या है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन वूज ऑर्डिनेट, बेटा इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है मुझे गिवन है। ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट होता है मेरे पास ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट लाइक का वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एप्सिसा मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, देखो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट पड़ा होगा और आपने एक वाई कोऑर्डिनेट पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इन दोनों का नाम और भी होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा एप्सिसा कहते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू जो है, आई थिंक सो ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, वो मेरे पास 4 है, तो मतलब एक्स कॉमा 4 है, ठीक है। x की वैल्यू गिवन नहीं है, x कॉमा 4 है, तो कहा जा रहा है इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है और इसकी x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करना, तो आपने क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश में वर्डिंग लिख देनी है, जैसे कि a मेरे पास 7.9, एंड b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है -1.1 इस अ पॉइंट दैट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अप स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ऐसे लिख दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे लिखा हुआ होता है सवाल में वैसे लिख दिया करो, लाइन पासिस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा मेरे पास, ए एंड बी, ठीक है, एंड वूज ऑर्डिनेट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसका बेटा ऑर्डिनेट क्या है, मतलब वाई एक्सिस क्या है बेटा इज 4, ठीक है, एंड वूज ऑर्डिनेट वाई इज इक्वल टू
4। तो ये चीज़ें मेरे पास गिवन थी। तो अब क्या करना होगा बेटा, अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा विथ रेशियो फार्मूला के तहत से, ठीक है। तो x कॉमा मैंने y लिखा, इक्वल टू लिखा, मैं लिखूँगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा, फिर क्या लिखूँगा बेटा, यहाँ पे लिखूँगा m y1 प्लस n ये 2 होगा, ठीक है, फिर y1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा x1 की वैल्यू पहली वैल्यू क्या लिखा हुआ है 7, तो 7, y1 की वैल्यू दूसरी वैल्यू, तो मेरे पास क्या है बेटा 9, x2 की वैल्यू मेरे पास तीसरी मतलब कि इसमें माइनस वन है, और फिर y2 मेरे पास क्या है बेटा प्लस का 1 है। तो ये मैंने वैल्यू आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा बेटा, इसकी वैल्यू को पुट करना होगा, x की जगह तो मैं x ही लिखूंगा, लेकिन y की जगह क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। m की जगह मैं m ही लिखूंगा, x2 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, x2 की जगह माइनस का 1, क्योंकि x2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ माइनस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा बेटा प्लस n की जगह n, जबकि x1 की वैल्यू क्या है बेटा 7, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n। तो मैंने क्या लिख दिया m प्लस n लिख दिया कॉमा, फिर बेटा मेरे पास क्या होगा m की जगह m, y2 की जगह बेटा प्लस का 1 प्लस n, y1 की जगह बेटा क्या आ जाएगा 9, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास m प्लस n। तो मैंने आपके सामने ये टर्म वैसे ही लिख दी, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, x कॉमा 4 को वैसे ही लिखा, m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m प्लस 7 n हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n कॉमा 1 m से क्या होगा m प्लस n, 9 से क्या होगा 9 n, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n, ठीक है। अब क्या करता हूँ बेटा, इनमें से m n की रेशियो की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको इसके बराबर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 m प्लस 9 n के बराबर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n। अगर मैं रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा ना, तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इसमें वैल्यू पुट करके m n की, ठीक है। तो इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय m n और इक्वल टू m प्लस का 9 n, ठीक है। तो 4 m से क्या होता है बेटा 4 m, 4 n से क्या होता है 4 n, m प्लस 9 n। बेटा 4 m को इधर ले आता हूँ, n को इधर ले आता हूँ, तो 4 m प्लस का था तो माइनस का m हो जाएगा, 9 n प्लस का तो यहाँ पर के माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 3 m बच जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा 5 n बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, रेशियो निकाल दो, तो m नीचे ये n नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो n नीचे आ गया, और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा ये बेटा 5, और 3 नीचे आ जाएगा, तो 5:3, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, और n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये मैंने तो कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे जब इसकी वैल्यू भी पता चल गई, तो मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं इस x को इसके कंसीडर कर लूँगा, इस x को इससे कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, x बराबर है किसके, माइनस m प्लस 7 n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n। तो बेटा मुझे m की वैल्यू मालूम है, अभी मैंने निकाला है क्या आई थी बेटा 5, तो क्या लिखूँगा माइनस का 5 प्लस 7, n की वैल्यू क्या आई थी 3, तो क्या लिख दूँगा 3, और यहाँ क्या लिख दूँगा बेटा m मेरे पास क्या है बेटा m की वैल्यू 5 प्लस 3, तो क्या लिखूँगा 5 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 5, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, अगर मैं क्या कर दूँ, अगर मैं माइनस का क्या लिख दूँ, माइनस का 5 कर दूँ, और प्लस का क्या कर दूँ 21, तो मेरे पास 16 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 16 अपॉन 8 हो गया, ठीक है। तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 है इसमें, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3। तो बेटा इन दोनों का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इस तरीके से इन दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आपको तमाम कोर्स के इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आज सॉल्व करवाए हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैंने सॉल्व ना करवाया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो आपके पास एक नए वीडियो में एक नए पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 7.2 की, जिसके अंदर मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटा अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।